वक्त पर टिकट मिल पाएगी और हमेशा ऐसा होता है कि नहीं मिल पाती है। इस बार ये घोषणा की गई है कि एक मिनट के अंदर एक घंटे मैं ठीक कर दूँ, एक घंटे के अंदर 7200 टिकट जारी करने की तैयारी जो है वो रेलवे कर रहा है करेगा, ये मैं जानना चाहूंगा। लेकिन ये प्रपोजल जो है वो साल के अंत में लागू हो पाएगा, और साथ में मैंने आपसे बोला था कि एक बात तय है इस रेल बजट के अंदर कि एक हेल्पलाइन नंबर निकल के आएगा, क्योंकि उनकी बहू ने भी ये मांग की थी और उनकी पत्नी ने भी ये मांग की थी। तो ये हेल्पलाइन नंबर है टोल फ्री नंबर 1800111321, नंबर टू एड्रेस ग्रीवेंसेस, यानी अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप 1800111321 पर फोन करके रेलवे के किसी भी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। ये नई सुविधा पवन कुमार बंसल ने आपको दी है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप रेल के अंदर जो खाना खाते हैं उनके जो किचन्स होते हैं, क्योंकि किचन में गंदगी है, खाना गंदा है, इसकी शिकायतें कई बार आमतौर पर मिलती है, तो अब यह अनिवार्य होगा उस कैटरर के लिए या सर्विस प्रोवाइडर के लिए कि वो ISO सर्टिफाइड हो, ताकि सफाई पर पूरा ध्यान दिया जा सके, खाने के हाइजीन पर पूरा ध्यान दिया जा सके। और दूसरा तीसरी चीज जो कही है, इसका तो सॉल्यूशन पवन कुमार बंसल नहीं दे पाए कि अगर आप जाएंगे तो आपको कंफर्म टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, वो इस बात के लिए है कि अगर टिकट के लेने देने में कोई आपके साथ हेरफेर करता है या रेलवे के किसी काम में और हेरफेर करता है तो एडवांस फ्रॉड कंट्रोल विल बी यूज फॉर टिकट सेल। तो टिकट की बिक्री के लिए अगर कोई 1-2 का 4 और 4-2 का 1 कर रहा है तो उससे निपटने के लिए एक बड़ा सिस्टम देने की तैयारी है। अगर आप कंप्यूटर लेवल है, अगर आप ट्रेन में जाते हैं, आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, आपका जो नेट है वो नहीं काम करता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सेलेक्टेड 7 ट्रेनों के अंदर रेलवे आपको वाईफाई फैसिलिटी देने जाएगा। इसके अलावा रायबरेली में एक और रेल कोच फैक्ट्री बनेगी, भीलवाड़ा में बनेगी, सोनीपत में बनेगी, कालाहांडी में बनेगी, कोलार में बनेगी, पलक्कड़ जो कि केरला में है वहां बनेगी, और रायबरेली से लगा हुआ एक जगह है प्रतापगढ़ में भी ये लगेंगी। और साथ ही साथ जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है, रिजर्वेशन चार्ज और कैंसिलेशन चार्जेस में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, 26 नई पैसेंजर ट्रेन लॉन्च होंगी और 67 नई एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च होंगी। जो 500 किलोमीटर न्यू लाइंस हैं वो 2013-14 तक कंप्लीट हो जाएंगी, और 5% का एवरेज इंक्रीज आएगा माल भाड़े की ढुलाई के अंदर। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जो इस बजट के अंदर हमको देखने को मिले हैं, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हल्की सी आपकी जेब हल्की होगी फ्यूल सरचार्ज को लेकर, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं है कि कब से शुरू हो जाएगा या इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कब से निकलेगा। चाहते तो पवन कुमार बंसल साहब इसका खुलासा कर सकते थे जो आपको एडिशनल भरना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसका खुलासा नहीं किया है। अवधेश जी, क्या कहा जाए, इसको औसत बजट या चुनाव के लिए बजट? देखिए, ये एक राजनीतिक लेखाकार का बजट है, पॉलिटिकल बेस्ड जो है, पॉलिटिकल अकाउंटेंट जिसको आप कह सकते हैं, उनका बजट है। इसमें राजनीति भी है और इसमें आय व्यय का ब्यौरा इतनी बुद्धिमानी से दी गई है, जैसे उन्होंने एक कविता पढ़ा है ना कि डाल पर बैठे पंछी को गिरने का भय नहीं, इसलिए नहीं कि वो शाखा मजबूत है, बल्कि इसलिए कि उसके अपने पंखों पर विश्वास है। तो देश को बता रहे थे कि रेलवे के जर्जर हालात या बाकी जो चीजें आपके सामने हैं उनसे देश जो है निराश नहीं हो, आप उम्मीद रखिए हम बेहतर करेंगे। ये लेखाकार का बजट इसलिए है कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1,05,000 करोड़ रुपया रेल के अंदर से पैदा करने की बात है, और 1,00,000 करोड़ रुपया वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से है। हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पिछले 10 साल से सुन रहे हैं और वो आ नहीं रहा है, क्योंकि प्राइवेट लोग पूंजी लगाना नहीं चाहते, उनको तत्काल लाभ चाहिए, रेलवे में रिटर्न कम है और देर से है, इसलिए यह बजट अंत में जाकर नहीं होगा। और अंदर से कैसे लाएंगे इंटरनल, तो यह 2,05,000 करोड़ का रिसोर्स कैसे लाएंगे यह इसमें स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए इस समय तो दिखाई दे रहा है कि वह बहुत अच्छा है, पैसे पूरे हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जो 3,000 करोड़ रुपया हमने वित्त मंत्रालय से लिया था वो हमने ब्याज के सहित लुटा दिया है और रेलवे के फाइनेंशियल हेल्थ के बेहतर होने का प्रमाण है, वो लौटा दिया है। लेकिन वो लौटा उसी से है, जब आप 21% बढ़ाए हैं उससे जो पैसे आए हैं लौटा है। इस बार डी